राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित सीएमएस कंपनी के दो कर्मचारी अमित कुमार और सुभाष बीते दिनों राजधानी रांची के ही विभिन्न एटीएम से लगभग 1,81,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। बीते दिनों पहले पुलिस को एक सफलता मिली थी, जहां पुलिस ने मामले से जुड़े दो आरोपी अतुल शर्मा और सरोज ठाकुर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एटीएम से चुराए गए 5,00,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपियों ने चुराए गए पैसों में से 60,00,000 रुपए इन लोगों को सट्टा खेलने के लिए दिया था और उसके बाद बाकी पैसे लेकर फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। इसमें जो दो मुख्य लोगों का नाम कंपनी के द्वारा दिया गया था, जो कि इस पैसे को एटीएम में डालते थे, उसके अन्य कुछ लोगों से तार जो हैं जुड़े हैं, उनके ऊपर रेड की जा रही है और हम लोग जो हैं इस केस को पूर्ण रूप से क्रैक करने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। इसके तार जो हैं मतलब झारखंड से भी बाहर नज़र आ रहे हैं, वहां पे भी कार्रवाई अपेक्षित है और हम लोग उस कार्रवाई को जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। हमारा ये भी प्रयास होगा कि अगर इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि की बात आती है तो हम लोग उस दिशा में भी आगे कार्रवाई करें। देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोगों के पास में नहीं आया है कि हम लोग मैनेजर को उसमें शामिल के रूप में बता पाएं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन खुला हुआ है, जिसकी भी संलिप्तता सामने में आएगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी।